ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। यो, इट्स सुष्टि अगेन एंड टुडे आई हैव अ स्पेशल गेस्ट विद मी। मीट माय फ्रेंड आलिया एंड आई विल रिक्रिएट हर स्टाइल। बहुत मुश्किल से इसने परमिशन दिया, तो मेरी नाक को कटवा देना और इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना ये गुस्सा हो जाएगी। क्योंकि इसने बोला था कि सुष्टि तेरी वीडियो लोग एंड तक तो देखते नहीं, तो फायदा क्या मेरा तेरे वीडियो में आने का। तो Please, I don't have any time for any gossip now. Hey. Eh? Yes. Look at. Without any further ado, let's get into it. Yeah, get into it. तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करना। एंड आई ऑलरेडी डिड इट, मैंने इसके ऊपर आलमंड ऑयल लगा रखा है। यू कैन यूज एनी मॉइस्चराइजर ऑफ योर चॉइस, बट मेक श्योर कि जो तुम्हारी स्किन है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो और कोई भी मतलब फ्लेकी या ड्राइनेस ऐसा कुछ भी ना हो। चाहो तो तुम अपना सर भी तेल के बर्तन में डुबो सकते हो उसको ऑयली और मॉइस्चराइज करने के लिए। अबे साले। नेक्स्ट यू कैन यूज एनी प्राइमर, और अगर प्राइमर नहीं है तो ऐसे कोई आफत नहीं आ रही कि प्राइमर लगाना है, तो यू कैन स्किप इट। जैसे मैं कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक प्राइमर एट ऑल, और प्राइमर बेड के नीचे जा चुका है जो मैं बाद में निकाल लूंगी। बट अगर प्राइमर है लगा लो, नहीं है तो ठीक है। प्राइमर लगाने के बाद आपको ये लगाना है, इसको बोलते हैं फाउंडेशन। मैं खुद भूल गई थी इसलिए मैंने देखा, मुझे पता है, सबको पता है, सॉरी। इसको फाउंडेशन बोलते हैं एंड आई एम यूजिंग अभी इसका फिट मी मेबलिन फिट मी शेड नंबर 128 प्राइम फाउंडेशन। और तुम्हें अभी इसको अपने पूरे फेस के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। तो मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया और अब मैं इसको वापस में नहीं डाल सकती। एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं ऐसी मिस्टेक करती रहती हूँ, बट मेरी इतना मिस्टेक मत करना। बाय द वे, सरोजनी से मैं ये पैकेट लेके आई थी, इसके अंदर बहुत सारे स्पंजेस हैं और ये पूरा पैकेट 50 रुपीज का था। तो इसके अंदर दिखाई देती हूँ अभी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दिखा देते हैं आपको। तो ये जो तीन चार स्पंजेस हैं ये किसी काम के नहीं है, ट्रस्ट में किसी काम के नहीं है। ये मैंने यूज करके देखे, कोई फायदा नहीं इनका, तो कोई काम नहीं है। बट हाँ, ये वाला स्पंज काम का है और एक ये वाला स्पंज काम का है। तो अब हम स्पंज से सब कुछ ब्लेंड कर लेंगे। माय बेस इज रेडी, बाकी मेरे को कंसीलर की जरूरत नहीं है। और ब्रॉन्जर हम यूज कर लेंगे वो आई शेडो में से, सस्ता सुंदर टिकाऊ। और ब्लश मेरे पास है बट वो भी मैं आई शेडो में से यूज करूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स हैं और आई शेडो में से जो ब्लश निकल के आता है वो तो मस्त। नाउ फॉर द ब्रॉन्जर आई एम यूजिंग डार्क ब्राउन शेड। और मेरी आई शेडो पैलेट टूट गई क्योंकि मैं रीगल का ट्रांजिशन कर रही थी और मैंने अपनी आई शेडो पैलेट को ऊपर हवा में उछाल दिया था और मैं नीचे कैच नहीं कर पाई थी, सो अब ये टूटी हुई है। बट हाँ, ब्रॉन्जर के लिए ये डार्क ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ, ये वाला ब्रश यूज कर रही हूँ। ब्रॉन्जर के लिए हमें ये वाले ईयर के जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है, वहां से लेकर हमें अपने लिप तक एक स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी होती है। मतलब नॉट एग्जैक्टली द स्लैंडिंग लाइन, बट हमें इस डायरेक्शन में जाना होता है। ऐसे ब्रॉन्जर लगा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। Hey, that's pretty good. आप उनसे ना पाएगा इधर ना। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। नाइस नाइस नाइस, आई लाइक इट। दिस इज हाउ माय ब्रॉन्जर लुक्स। वेल, अपने मुंह को पतला करने के बाद अब हमें इसके ऊपर ब्लश लगाना है। और ब्लश के लिए मैं सेम ब्रश यूज कर रही हूँ, बट मैं इसको थोड़ा साफ कर लेती हूँ क्योंकि मैंने जैसे कि मेरे मुंह पे ब्राउन कलर का ब्लश दिखे। तो अगर तुम सेम ब्रश यूज करते हो तो मेक श्योर कि तुम उसको साफ कर लो। तो ब्लश के लिए मैं जो यूज कर रही हूँ वो ये दो शेड है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक कॉर्नर वाला, ये वाला शेड। मैं इन दोनों को मिक्स करके ब्लश लगाने वाली हूँ। ब्लश लगाते टाइम एक बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि ब्लश की प्लेसमेंट कभी भी अपने इन दो मतलब बिल्कुल यहाँ पे चिक्स पे नहीं करनी, वरना तुम्हारे जो गाल हैं वो रसगुल्ले जैसे दिखेंगे और अलग से ही पॉप आउट करेंगे। तो ब्लश की प्लेसमेंट हमेशा ये वाले एरिया में होती है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अभी हम वही करने वाले हैं, यहाँ पे टैप कर देंगे हम इसको। मैंने यहाँ पे नहीं लगाया वरना मेरे अलग से ही गाल दिखते। ओके, तो हमारा ब्लश भी लग चुका है और अब मेरी शक्ल कुछ ऐसे दिखती है। मैं पहले भी खूबसूरत थी और अब भी खूबसूरत हूँ।
After blush, we will move on to the eyeshadow part, which I really love. So, Alia Bhatt ने अपनी eyeshadow में इस color का use किया हुआ था. एक ये वाला color है और एक dark brown है. Let's create this look. और एक बार हम Alia दीदी को फिर से देख लेते हैं, because कोई mistake ना हो जाए. Alia दीदी, where are you? Here I am. आलिया दीदी ने बहुत ही लाइट मेकअप कर रखा है और पूरा का पूरा ब्राउन कलर यूज कर रखा है. ओके, हमने आलिया दीदी को देख लिया है और नाउ आई कैन मूव ऑन. रुको रुको, आलिया मेरे को बोले कि वो आगे का प्रोसेस तब तक नहीं बताएगी जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दोगे. अपनी आईज को बिल्कुल अच्छे से ग्लिटर में डुबो देने के बाद हमें ये वाला ब्राउन शेड यूज करना है फॉर द आउटर कॉर्नर्स. और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है. पहले आउटर कॉर्नर्स के लिए वाला शेड यूज करते हैं. और सेम शेड हम अपनी आईज के नीचे भी यूज करेंगे. उसके लिए मैं मिरर यूज कर रही हूँ. ब्लेंड करने के लिए तुम क्यू टिप का भी यूज कर सकते हो. अच्छे से ब्लेंड लगाओ. ये सब कर लेने के बाद आपकी आईज कुछ ऐसे दिखेंगी, पहले से ज्यादा खूबसूरत. और अब इसके बाद हम क्यू टिप की हेल्प से आई लाइनर लगाएंगे. और ये मैंने कभी पहले कभी नहीं किया, सो आई रियली डोंट नो कैसा जाएगा. मुंह में सब कुछ खराब ना हो जाए वरना मैं रो दूंगी. क्यू टिप को मैंने डार्क ब्राउन शेड में डिप कर लिया है. और अब नाइस. क्यू टिप की हेल्प से मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि क्यू टिप से एक स्मोकी इफेक्ट आता है और एक मतलब सॉलिड आईलाइनर का लुक नहीं आता. इसके बाद वी विल सिंपली यूज अवर ओल्ड इज गोल्ड मस्कारा. मस्कारा यूज करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि मस्कारे को ऊपर और नीचे दोनों आईलैशेस को यूज करना है, तब आप जो आईज है वो अच्छे से बैलेंस लगेगी. तो मेक श्योर यू यूज योर मस्कारा ऑन योर अपर एज वेल एज लोअर लैशेस. मस्कारा लगाने के बाद आलिया दीदी ने काजल लगाई हुई है तो हम भी काजल लगा लेते हैं. और बाय द वे मैं काजल 3 साल बाद यूज कर रही हूँ, लाइक ब्लैक काजल मैं 3 साल बाद यूज कर रही हूँ. आई ऑलवेज यूज व्हाइट काजल. ओह माय गॉड, खुद की शेल देख के हंसी आ रही है क्योंकि मैंने लास्ट 3 इयर्स में सिर्फ व्हाइट काजल यूज करी है. और मैंने ब्लैक काजल को यूज करना बंद कर दिया था बिकॉज आई डोंट फील लाइक कि मेरी शक्ल ब्लैक काजल में अच्छी लगती है. एंड लास्टली फॉर द हाईलाइट आई एम यूजिंग दिस टूटा फूटा पैलेट जो जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है मेरी वजह से ही. और हम इसको अपने नोज पे एक्सक्लेमेटरी का साइन बनाना है नोज पे. तो पहले यहाँ पे ऐसे करना है और यहाँ पे ऐसे करना है नोज पे. और ये चिक बोन लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा. हाइलाइटर हम उन सारी जगह पे लगा दें जहाँ पे लाइट हमारे फेस पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी. तो जितने भी उभरी हुई तुम्हारी चीजें हैं उसके ऊपर हम हाइलाइटर लगाते हैं. जैसे नोज हो गया, ये जो चिक बोन्स वाला एरिया होता है यहाँ पे, हड्डी होती है जो वहाँ पे, और चिन पे, और आईब्रो की ये वाली पॉइंट पे. तो हमें लाइट को रिफ्लेक्ट करना है, करवाना है, तो इसलिए हम वो सारी चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं बेसिकली. एंड लास्टली फॉर द लिपस्टिक तो आलिया दीदी ने न्यू कलर चूज किया हुआ है, सो आई विल ऑल्सो गो विद दिस न्यू टोन. और ये ओरिफ्लेम की है. थोड़ा और लाइट टोन देने के लिए आई एम यूजिंग दिस न्यू शेड. और ये भी ओरिफ्लेम का है. लास्टली फॉर द बिंदी आई एम यूजिंग डार्क ब्राउन, सॉरी डार्क ब्लू. एंड या दैट्स द फाइनल लुक. आई होप यू लाइक इट. ये बहुत सटल है, बहुत सिंपल है एंड बहुत फ्रेश लुक है. आई रियली लव दिस लुक.